हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है, जानेंगे आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? ठीक है, लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, अभी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, पहले वो जानेंगे, देन नेक्स्ट क्या होगा फिर ये जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही बता दूं, मैं ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, लेकिन आपको आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है मैं पहले आपको वही बताऊंगी, फिर उसके बाद में क्या नेक्स्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो ये जानेंगे। ठीक है, और रीडिंग ये टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप आराम से देख सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, सन कार्ड, हैंग्ड मैन एंड सिक्स ऑफ कप्स। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गाइज राइट नाउ, और अगर थोड़ी बहुत भी बात होती है तो फिर, लेकिन आपका कनेक्शन स्टक हो गया है एक जगह। कोई देखो, पता कैसे स्टक हुआ है ना, तो ठीक से मतलब आप पीछे जा पा रहे, लाइक ख़त्म कर रहे हो चीज़ों को, और ना ही वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि आप अलग लेवल तक पहुँचें या कमिटमेंट मिले आपको। ठीक है, तो आपका कनेक्शन जिस अभी पॉइंट पर है वहीं पर रुक गया है कुछ टाइम के लिए, ये हुआ है आपके कनेक्शन में अभी। ना तो ठीक से ये पता लग रहा है कि ब्रेकअप हो गया या सब कुछ खत्म हो गई है चीज़ें, ना ये पता लग रहा है कि चीज़ें आगे भी बढ़ेगी या नहीं। तो इसी को बोलते हैं स्टक पोजीशन, हैंग मैन पोजीशन। ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं, लेकिन आप दोनों स्टक हुए हो इस कनेक्शन में, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों गिव अप करने वाले हो, ऐसा भी नहीं है। प्रार्थना करते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिविटी दिख रही हो, ऑप्टिमिस्टिक हो अपने कनेक्शन को लेके कि जल्दी ये टाइम जो आया हुआ है, ठीक है, ये चला जाएगा, एंड देन डिवाइन विल शो यू द पाथवे और गाइडेंस दे विल सेंड टू क्लियर ऑल द थिंग्स। ठीक है, इस तरह से चीज़ें दिख तो रही हैं, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रही है कि ये हुआ क्या है। कभी कभी आपको लगता है कि यस, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और इस कनेक्शन में आगे चलकर कुछ टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन कभी कभी आपको फिर ये भी फील होता है कि चीज़ें हाथ से निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको फील होता है। इसका मतलब है कि डिवाइन ने आप दोनों को एक लेसन दिया हुआ है जिसको आपको सीखना है, जिसको आपको समझना है। ठीक है, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, जैसे तो सोलमेट कार्ड। ठीक है, आप दोनों को अभी भी एक दूसरे की बातें माइंड में हैं कि हाँ, हमने ऐसे ऐसे पल बिताए थे, ऐसे ऐसे बातें की थी, इस तरह से आपके माइंड में अभी भी चीज़ें हैं, और आप एक दूसरे के लिए बदलने की कोशिश भी कर रहे हो अपना माइंड सेट कि नहीं, हमें इतना मतलब स्टक रहना नहीं है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, कुछ इस तरह से प्लानिंग वगैरह या सोच तो रहे हो, लेकिन कभी लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक टाइम पर ऐसा भी फील हो रहा है आपको कि पता नहीं वो पैशन नहीं बचा इस कनेक्शन में, वो एक्साइटमेंट नहीं बची। ठीक है, कुछ इस तरह से भी आपको फील हो रहा है। तो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। तो अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या होगा नेक्स्ट आपके इस कनेक्शन में। ठीक है, अब जानते हैं, अगर ये स्टोरी आपके साथ थोड़ा भी मैच हुई है ना, तो आप आगे बढ़ सकते हो इस प्रेडिक्शन में, वरना बिल्कुल भी मैच नहीं हुई है तो आप छोड़ दो फिर। अच्छा, ये जो कहानी है भाई, मुझे नहीं पता कितनों के साथ मैच हुई है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ का केस भी हो सकता है, तो ये ना बोलना कि आप हस्बैंड के लिए रीडिंग कर दो या वाइफ के लिए कर दो, क्योंकि ये उनके, ये स्टोरी किसी की भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम क्या नेक्स्ट होगा ये देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, पहला कार्ड तो अच्छा आया है काफ़ी, नाइन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, एक अच्छा और एक ऐसा कार्ड आ गया, फोर ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, मुझे लगता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तभी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर, या सो हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, अदरवाइज आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में। अगेन दिस कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट जो भी हो रहा है ना, इतना इजी नहीं है।
अच्छा कोई भी यहाँ सिंगल नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, मुझे यहाँ सिंगल वाइफ कुछ मिली नहीं है अब तक। आप डील कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है, और आपको जानना है कि आपके कनेक्शन में आगे क्या हो रहा है या क्या नेक्स्ट होने वाला है। आपकी विशेस तो पूरी हो रही है बट इतना आसान नहीं है। आप फिर से एक टफ फेज में चले जाओगे या चले गए हो, जहाँ पर आप दोनों को विक्ट्री तो मिल रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन को विक्ट्री नहीं मिल रही, बट दिस इज़ काइंड ऑफ एम्प्टी विक्ट्री। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को इस विक्ट्री, लाइक इस रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ सेक्रीफाइस चीज़ें कर कर चलनी पड़े, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि कुछ मुझे फैमिली मैटर्स दिख रहे हैं, बिकॉज दो दो 10 के कार्ड्स हैं यहाँ पर, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही थोड़े नेगेटिव कार्ड्स हैं। लाइक बर्डन बता रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज हैं जो अभी तक हील नहीं हुए हैं आपके पार्टनर के साथ, और हो सकता है आपके साथ भी ना हुए हो। सो ये इश्यूज आपके कनेक्शन पर थोड़े भारी पड़ रहे हैं, और आप लोगों को जो नेक्स्ट फेज है, हो सकता है मेजर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ जाएं। लाइक आपको अपने पेरेंट्स के सामने बात रखनी पड़ जाए कि भाई कास्ट अलग है तो क्या हुआ, मेरा रियल कनेक्शन है और मुझे प्यार है, कुछ इस तरह से। आप अपने फादर या मदर के साथ आप उनको कन्विंस करने के चक्कर में हो, या हो सकता है ये चीज़ें आपके लिए ना हो लेकिन आपके पार्टनर के लिए हो, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, हालांकि आपका फेटेड कनेक्शन है, बट स्टिल यू विल हैव लॉट ऑफ चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स। यू बोथ नो हाउ टू मैनिपुलेट द सिचुएशन, बिकॉज मैजिशियन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्लियर होते हैं, उन्हें क्या करना है उन्हें पता होता है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप बहुत समझदारी से आगे के एक्शंस लें, ठीक है। आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जॉब में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी हो गाइज। आपके देखो करंट सिचुएशन में सन कार्ड यहाँ पर आए हैं, जो कि मुझे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि यस अभी भी काफ़ी होप है और काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है उसमें, हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आ गए हैं। तो ये दोनों कार्ड इतने पावरफुल हैं और इतने पॉजिटिव हैं, अगर आपने अच्छे से मैनिफेस्ट करा और ठान लिया कि हाँ भाई मुझे इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो करना है, तो यस यू विल रिसीव दिस काइंड ऑफ गुड लक इन योर लाइफ, इन दिस कनेक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। आपको आपके पास गुड लक आ रहा है, बिकॉज मैजिशियन जो होते हैं वो सिचुएशन को संभालना जानते हैं, वो चीज़ों को परख कर अच्छे से एक्शन लेना जानते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है, आप थोड़ा सा सेपरेशन मोड में हो अभी, और हो सकता है कि ये कुछ टाइम तक और चले, 5, 6, 7, 8, 10 दिन तक ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर 10 डेज ना यू विल सी सम काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है, आपको थोड़े चेंजेस दिखेंगे और आपको अच्छा भी फील होना शुरू हो जाएगा देन, क्योंकि थोड़ा सा ना डिवाइन आपको परख रहे हैं, या फिर जो भी इश्यूज हैं, आप देखो ये भी अच्छी बात है, इश्यूज भी तो सॉल्व हो जाएंगे ना, मम्मी पापा के सामने बात रख दोगे, या अगर आपकी शादी हो गई है तो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करोगे, हो सकता है उनके साइड से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बहुत तरह की बातें होंगी जो आपके कनेक्शन। देखा फैमिली इश्यूज, हीलिंग फैमिली इश्यूज, फैमिली की ही बात, मुझे ये 2, 2, 10 के कार्ड आ गए ना, 10, 10 एनर्जी यहाँ पर है, और फिर देखो हीलिंग इश्यूज, फैमिली हीलिंग इश्यू, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ठीक है। तो ये जो हीलिंग होगी ना, ये आप अपने पेरेंट्स या अपने रिश्तेदारों, या अगर शादी भी होगी तो भी इन लॉज में बहुत मतभेद हो जाते हैं ना, कुछ उस तरह के इश्यूज आपके कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वही चीजें हील होंगी आगे। देखा मैंने कहा ना, आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा कि देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, तो आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, रियलिटी में ऐसा है नहीं, ये फैमिली इशूज की वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है, बट जल्दी ही कुछ ना कुछ चेंजेस अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। आपके लाइफ में प्लेफुलनेस आएगा, आपके कनेक्शन में चीज़ें ठीक हो जाएगी सारी, क्योंकि अगर आपने इरादा अगर आपका पक्का हुआ, तो अगर आपने अच्छे से मैनिफेस्ट किया, बिकॉज दिस इज योर सोलमेट, आप सोल कनेक्शन में हो इस पर्सन के साथ, ओके। फाइनेंसेस और करियर भी एक मेजर इशू आपके लिए हो सकता है, हो सकता है ये चीज आपके पार्टनर के लिए ना हो, बट ये चीज आपके लिए हो, और हो सकता है फैमिली वाली बात आपके पार्टनर के लिए हो। तो ये चीजें आ रही हैं आपके ना, अभी आपकी लाइफ में अभी हीलिंग बची है, अभी आप क्या करो, नेगेटिविटी से फ्री करो खुद को,
और जितना हो सके अपने पार्टनर के लिए अच्छा सोचो, ठीक है, और अपने कनेक्शन के लिए भी अच्छे से सोच कर एफर्मेशंस बोलो। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस कनेक्शन को बनाए रखने में, क्योंकि आप दोनों को क्या ही लग रहा है ना कि इस कनेक्शन में अब केमिस्ट्री नहीं बची। इस तरह के डाउट्स आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, कभी कभी नहीं आ रहे, ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन आगे गुड लक आ रहा है आपके साथ। सो नेक्स्ट जो भी होगा वो थोड़ा सा देरी से हो रहा है, लेकिन अच्छा ही हो रहा है। अगर ये इशू सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत मेजर ऑब्स्टिकल खत्म हो जाएगा आपके कनेक्शन में से, और आपको काफ़ी अच्छा और रिलैक्स भी फील होने लगेगा, और आपको एक दूसरे की कंपनी भी मिलेगी। चलो अब यहाँ से देखते हैं एंजल क्या बताएंगे आपको। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल, देयर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, हर एंड के बाद शुरुआत होती है, तो जितने भी इल्यूजन्स हैं ना वो सब रिवील्ड भी हो जाएंगे और रिलीज भी हो जाएंगे, सो डोंट वरी। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू विल रिसीव, प्रेयर और कॉन्टेम्पलेशन का कार्ड है यहाँ पर, सो जितना पूछोगे डिवाइन से, जितनी मदद मांगोगे यू विल रिसीव, ओके। एंड आर्के एंजल माइकल आपके साथ हैं जो बोल रहे हैं ट्रस्ट करो, बिकॉज यू आर सेफ, एंजल आपके साथ ही खड़े हैं, सरेंडर कर दो सारा कंसर्न ताकि मिरेकल हो सके, ओके। एंड यस यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, को तुम भी आपसे कह रहे हैं यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। एंड यहाँ से कमांडर अस्थारा का कार्ड है जो कि बता रहे हैं कि अपने आप को चार्ज करो, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखो, ठीक है, तभी कुछ बात बनेगी। एंड देखो यहाँ से राधा माँ आ गए हैं और ग्रीन तारा माँ आ गए हैं, वाओ, सुप्रीम प्रोटेक्शन एंड सोल फ्लेम। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। जितना आप अच्छा एक्सपीरियंस, जितना अच्छा इमेजिनेशन, जितने अच्छे एफर्मेशन बोलोगे ना, इट विल हेल्प यू, ये आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। और सुप्रीम प्रोटेक्शन का मतलब देखो क्या है, यू आर प्रोटेक्टेड, कोर्ड्स आर बींग कट, जितने भी कोर्ड्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, सो मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट करो प्रोसेस पर, ठीक है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बट नेक्स्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है, लाइक विद इन 9 to 10 days, बट ये अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है इस 10 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नॉर्मल ना लगे, लाइक आपको लगेगा कभी तो कनेक्शन में जान है, ठीक है, बात है, अभी बची है बात, और कभी लगेगा कि निकल गया हाथ से। सो जब निकल गया हाथ से तभी मैनिफेस्ट करना शुरू कर देना, एफर्मेशन बोलना शुरू कर देना, सब कुछ सही हो जाएगा, अगर ये आपका सोल कनेक्शन है तो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, दिस इज योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।